सलाम अलैकुम। मैं शाह मुस्तफा को शाम दे बात करेंगे जानी सार के एपिसोड में 58 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आपने देखा उसके माँ बाप कोशिश करते हैं लेकिन उसकी जो है जमानत नहीं होता। वही सरफराज आता है उससे मिल गया, उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। इन शर्मा को अभी तक होश नहीं आता, कश्माला से कहता है जो तुम कर रही हो या तुम गलत कर रही हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और कोई दुआ कोई हालत में नहीं रहने दूंगा। फिजा जो है उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसकी बहन किस मुसीबत से गुजर रही है। वहीं उसे कहती है कि तुम जो है किसी तरह भी ये काम करवाओ और वहीं उसे काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता है दुआ को। और दूसरी तरफ नौशेरवा जो है वो होश में आ जाता है और आते ही दुआ का पूछता है तो उसे कहते हैं कि उसे जो है जेल में है। अभी ही आने वाले एपिसोड में देखेंगे उसकी बहन कहती है कि यहाँ पे क्या कर रही है तो इसको यहाँ से भेजें ये वो। दुआ जो है वो मिलने तक गिरती है, सिर्फ एक बार उसे देख लूँ उसके बाद मैं चली जाऊँगी। वहीं जो है नौशेरवा कहता है कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती, दुआ ने मुझे जहर नहीं दिया है। और वहीं जो है उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं होता लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसका दिमाग यही चाहता है कि उसने ही जहर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। वहीं कश्माला जो है वो उसे कहती है कि जो है हाँ वो तो इस इंतजार में है कि आप कब बने और आपकी जगह वो सरफराज से शादी कर ले। दूसरी तरफ जो है वो उसके कमरे में रहने का कहती है। देखना ये क्या नौशेरवा को वाकई में सच नहीं नजर आएगा कि दुआ ने ये सब कुछ नहीं किया और किसने किया, क्या उसके सामने ये सच आएगा या नहीं। आप भी अपने कमेंट के जरिए जो दीजिएगा।